हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन वेलवेट। आज हम बात करेंगे कॉपर डिफिशियंसी के बारे में। तो पशुओं में कॉपर डिफिशियंसी क्यों होती है, कॉपर डिफिशियंसी के क्या कारण होते हैं, और कॉपर डिफिशियंसी की वजह से अलग अलग पशुओं में हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम शिप की बात करें तो उसमें अलग सिम्टम्स नज़र आएंगे, बफेलो की बात करेंगे तो उसमें अलग सिम्टम नज़र आएंगे, कैटल की बात करेंगे तो उसमें अलग सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो एक कॉपर डिफिशियंसी की वजह से अलग अलग पशुओं में अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स उस डिफिशियंसी के हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और उसके पीछे रीज़न क्या है और उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशुओं में कॉपर की डिफिशियंसी क्यों होती है। तो इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि उसको जो डाइट दिया जा रहा है तो उस डाइट में कॉपर की कमी है। अगर डाइट में कॉपर की कमी होगी तो पशु के शरीर में भी कॉपर की कमी होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर जहाँ हम पशु के लिए चारा उगाते हैं, जहाँ चारा उसके लिए हम उगाते हैं, वो अगर मॉलिब्डेनम रिच सॉइल है, मतलब कि उस सॉइल में मॉलिब्डेनम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ पर उस ग्रास में, उस घास में कॉपर की डिफिशियंसी होगी और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो पशु का डाइट है उसमें कॉपर की डिफिशियंसी होगी तो पशु में भी कॉपर की डिफिशियंसी होगी। कॉपर डिफिशियंसी के लिए ख़ास करके जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट, तो ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें कॉपर डिफिशियंसी की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कॉपर डिफिशियंसी के साइन एंड सिम्टम्स की। अगर पशुओं में जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट में कॉपर की डिफिशियंसी होती है तो हमें वहाँ पर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉपर डिफिशियंसी में जो लक्षण देखने को मिलेगा उसमें है एनीमिया। कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से पशुओं में एनीमिया हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पशु में इमेसिएशन होगा, मतलब कि पशु बहुत दुबला पतला होने लगेगा, उसका वेट लॉस होने लगेगा और पशु में एनीमिया होगा। तो ये लक्षण हमें सबसे पहले कॉपर डिफिशियंसी में पशुओं में देखने को मिलेंगे। एनीमिया और इमेसिएशन के साथ साथ पशु में हमें परसिस्टेंट डायरिया देखने को मिलेगा, यानी कि लंबे अरसे से पशु में डायरिया की शिकायत रहेगी, पशु पतला गोबर करता रहेगा और ये दोनों साइन भी उसके साथ में होंगे। जैसे कि एनीमिया, इमेसिएशन और साथ साथ पशु में पतला गोबर करने की शिकायत होगी, यानी कि परसिस्टेंट डायरिया होगा। इसके अलावा वहाँ पर डीपिगमेंटेशन होगा हेयर का, वूल का या स्किन का। अगर शीप है तो वहाँ पर उसमें वूल का डीपिगमेंटेशन होगा, यानी कि वहाँ से मेलानिन जो है उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पर डीपिगमेंटेशन हो जाएगा। अगर पशु है दूसरे जैसे कि भैंस है, गाय है, तो उसमें भी डीपिगमेंटेशन होगा, उसके स्किन का, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेट करेगा कि ये कॉपर डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। खास करके अगर बफेलो के केस में, क्योंकि बफेलोज ब्लैक कलर की होती है, डार्क ब्लैक कलर की होती है, तो इनमें जो डीपिगमेंटेशन होता है तो वो बहुत जल्दी हमें दिखाई देता है, बहुत जल्दी नज़र में आता है और देखने में भी वो बहुत ही भद्दा नज़र आता है, क्योंकि बफेलोज में इसकी वजह से ल्यूकोडर्मा होता है। उस कंडीशन को ल्यूकोडर्मा या विटिलैगो के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर जो भैंस होती है उसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद से दाग पूरे शरीर पर
पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लक्षणों के अलावा पशुओं में जैसे कि रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि पशु की जो ग्रोथ होती है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है, और इसके साथ साथ पशु में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी आता है। तो चाहे वो मेल कैटल हो या फीमेल कैटल हो, तो इनमें इनफर्टिलिटी और रिटार्डेड ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है कॉपर डिफिशियंसी की वजह से। इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें फॉलिंग डिसीज नाम की जो बीमारी होती है वो कॉपर डिफिशियंसी की वजह से ही होती है। तो फॉलिंग डिसीज क्या है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसमें क्या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के अलावा पशुओं में जैसे कि रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि पशु की जो ग्रोथ होती है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है, और इसके साथ साथ पशु में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी आता है। तो चाहे वो मेल कैटल हो या फीमेल कैटल हो, तो इनमें इनफर्टिलिटी और रिटार्डेड ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है कॉपर डिफिशियंसी की वजह से। इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें फॉलिंग डिसीज नाम की जो बीमारी होती है वो कॉपर डिफिशियंसी की वजह से ही होती है। तो फॉलिंग डिसीज क्या है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसमें क्या लक्षण होते हैं। तो फॉलिंग डिसीज कैटल में क्या होता है कि बिना किसी खास कारण के पशु जो है वो खड़ा होने में असमर्थ होता है, और 12 से 24 घंटे तक खड़ा नहीं रह पाता है, तो इसे फॉलिंग डिसीज कहते हैं। तो ये भी लक्षण कॉपर डिफिशियंसी की वजह से हमें पशुओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लैम्स की बात करें, तो लैम्स में इंजुटिक अटाक्सिया नाम की जो बीमारी होती है तो वो भी कॉपर डिफिशियंसी की वजह से होती है, और शीप में जो स्टीली वूल जिसे बोलते हैं तो वो भी कॉपर डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। तो डिफिशियंसी तो एक ही होती है, कॉपर की डिफिशियंसी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग स्पेसीज में, अलग अलग पशुओं में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम अगर लक्षण देखते हैं तो उसे हम कॉपर डिफिशियंसी के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो हमें डायग्नोसिस के लिए फील्ड कंडीशन में बहुत मददगार साबित हो सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें हम जो कॉपर सल्फेट होता है, तो अगर छोटे जो बछड़े होते हैं या शीप गोट होते हैं तो उसे 2 से 4 ग्राम ओरली दे सकते हैं, और अगर जो बड़े कैटल होते हैं तो उसमें 4 से 8 ग्राम हम ओरली दे सकते हैं। तो ऐसा हफ्ते में एक बार सिर्फ हमें देना है, और ऐसा 3 से 4 हफ्ते के लिए हमें देना है। तो ये एक ट्रीटमेंट है। और दूसरा ट्रीटमेंट जो है, जैसे इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें फॉलिंग डिसीज नाम की जो बीमारी होती है वो कॉपर डिफिशियंसी की वजह से ही होती है। तो फॉलिंग डिसीज क्या है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसमें क्या लक्षण होते हैं। तो फॉलिंग डिसीज कैटल में क्या होता है कि बिना किसी खास कारण के पशु जो है वो खड़ा होने में असमर्थ होता है, और 12 से 24 घंटे तक खड़ा नहीं रह पाता है, तो इसे फॉलिंग डिसीज कहते हैं। तो ये भी लक्षण कॉपर डिफिशियंसी की वजह से हमें पशुओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लैम्स की बात करें, तो लैम्स में इंजुटिक अटाक्सिया नाम की जो बीमारी होती है तो वो भी कॉपर डिफिशियंसी की वजह से होती है, और शीप में जो स्टीली वूल जिसे बोलते हैं तो वो भी कॉपर डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। तो डिफिशियंसी तो एक ही होती है, कॉपर की डिफिशियंसी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग स्पेसीज में, अलग अलग पशुओं में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम अगर लक्षण देखते हैं तो उसे हम कॉपर डिफिशियंसी के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो हमें डायग्नोसिस के लिए फील्ड कंडीशन में बहुत मददगार साबित हो सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें हम जो कॉपर सल्फेट होता है, तो अगर छोटे जो बछड़े होते हैं या शीप गोट होते हैं तो उसे 2 से 4 ग्राम ओरली दे सकते हैं, और अगर जो बड़े कैटल होते हैं तो उसमें 4 से 8 ग्राम हम ओरली दे सकते हैं।
तो ऐसा हफ्ते में एक बार सिर्फ हमें देना है और ऐसा 3 से 4 हफ्ते के लिए हमें देना है। तो ये एक ट्रीटमेंट है। और दूसरा, इसके अलावा अगर हम कॉपर डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका रेडीमेड जो प्रिपरेशन इंजेक्शन मिलता है क्यूरान 9 नाम से, तो उसकी जो डोज है बड़े पशुओं में 120 mg टोटल डोज होती है और वो ब्रिस्केट रीजन में सबकट देनी होती है। और जो काप्स होते हैं उसको 60 mg होता देना पड़ता है, वो भी ब्रिस्केट रीजन में सबकट देना पड़ता है। तो इस तरह से इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।